फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया की एक टीम जो कि डिफेंस PSUs DRDO और GTRE को बिलोंग करती थी, उन्होंने रोल्स रॉयस की फैसिलिटी को विजिट किया है ब्रिस्टल UK में, जहां पर रोल्स रॉयस के ऑफिशियल्स ने उन्हें पहले तो यूरोजेट EJ200 इंजन को डिस्प्ले किया, साथ ही साथ उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया जिसके अंतर्गत आमका मार्क टू के इंजन को बनाया जाना है इंडिया द्वारा किसी फॉरेन पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर जो को डेवलपमेंट होना है वो 110 से 120 किलोन्यूटन क्लास के इंजन का होना है। तो दो यहाँ पर कंटेंडर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहले फ्रांस की स्नेकमा है और दूसरी UK की रोल्स रॉयस है, जो कि पॉसिबल पार्टनर हो सकते हैं इंडिया के जेट इंजन प्रोग्राम के। और दोनों से ही बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखा जा रहा है और हर पॉसिबिलिटी को यहाँ पर रखा जा रहा है। तो इस पर हमने विस्तार में डिस्कस किया था कि कैसे रोल्स रॉयस के साथ अगर यहाँ पर कोलैबोरेशन होता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो ये बात आपको बता दें कि UK की जो रोल्स रॉयस कंपनी है, ये दुनिया की बेस्ट जेट इंजन मेकिंग कंपनीज में से एक है और इनके जो EJ200 इंजन है, जो कि यूरोफाइटर टाइफून में लगते हैं, ये इंडिया के फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए मुख्य दावेदारों में से एक थे। और ये भी कहा जाता है कि ये एक्चुअली पहली चॉइस थे, लेकिन प्राइस की वजह से जनरल इलेक्ट्रिक को चूज किया गया। तो अगर हम इंडिया और UK की साझेदारी को लेकर बात करें, स्पेशली जेट इंजन के केस में, तो हमारा जो पास्ट है वो काफी डीप रहा है। हमने ब्रिटिश ओरिजिन के हंटर्स, नेट्स और जैगुआर अपनी सर्विस में यूज किए हैं, जिसमें से जैगुआर जो है वो आज भी हम यूज कर रहे हैं। और एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि 1956 में जो HAL का इंजन डिवीजन है, उसको एस्टैब्लिश ही ऑरिफिस इंजन को बनाने के लिए किया गया था, जो कि रोल्स रॉयस के इंजन है और फुल एंड नेट फाइटर में लगते थे, जो कि हमारे एयरफोर्स द्वारा यूज किए जाते थे। तो इन इंजन्स की हमने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की है, इनको मॉडिफाई किया है, इवन अपने मारुत में भी इन इंजन को हमने यूज किया है। बात करें आज के प्लेटफॉर्म की, तो जैगुआर जो है वो रोल्स रॉयस के अडोर मार्क 804, मार्क 811 इंजन को यूज करते हैं, जिनको अगेन लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया में ही 1981 से। तो हिस्टोरिकली जेट इंजन को लेकर पार्टनरशिप रही है इंडिया और UK के बीच में, और ये पार्टनरशिप जो है वो काफी फ्रूटफुल भी रही है। लेकिन इन जेट इंजन को बनाने के लिए जो कोलैबोरेशन है वो पहली बार होगा। ऑल्दो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया का जेट इंजन को लेकर रोल्स रॉयस के साथ जो कोलैबोरेशन है वो पास्ट में भी हो सकता था, HF24 मारुत के टाइम पर। तो रोल्स रॉयस ने एक प्रपोजल पेश किया था, जिसके अंतर्गत इंडिया की फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू ऑर्फियस इंजन का एक ज्यादा एडवांस वेरिएंट बनाया जाता, जो कि ज्यादा सुटेबल रहता हमारे HF24 मारुत के लिए। पर इस प्रपोजल को इंडियन गवर्नमेंट ने नकार दिया था, जिसकी वजह से फाइनली मारुत अपने डिजायर्ड पावर को पा ही नहीं पाया और अल्टीमेटली जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उससे काफी नीचे रहा और एक सक्सेस जो है वो नहीं बन पाया। तो हमारे पास पास्ट में एक्सपीरियंस है रोल्स रॉयस के साथ काम करने का, और अपॉर्चुनिटी थी जो हम मिस कर चुके हैं, और फिर से एक ऑप्शन मिला है जहां पर हम रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक जेट इंजन को बना सकते हैं और अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट को पार कर सकते हैं। ये बात आपको बता दें, रोल्स रॉयस द्वारा फ्यूचर के इंजन भी बनाए जा रहे हैं BAE के टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि एक 6th जनरेशन फाइटर होने वाला है। और यहाँ पर जो इंजन इनके द्वारा बनाया जा रहा है ये लो IR सिग्नेचर प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करेगा, जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स है उनको पावर करने के लिए, जो कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ जो इंजन है वो अडेप्टिव साइकिल इंजन होंगे, जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर और एफिशिएंसी दोनों देंगे। तो इस एयरक्राफ्ट को लेकर जॉइंट कोलैबोरेशन की भी बात चल रही थी, जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि BAE द्वारा अप्रोच किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इंडिया की फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए इस एयरक्राफ्ट को लेकर। तो मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव है बनाने के लिए, और रिसर्च और डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो एक कंट्री के लिए ये कॉस्ट बेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कोलैबोरेशन को देखा जाता है। और ये हम पास्ट में देख चुके हैं कि अच्छा खासा पैसा लगाने के बाद भी एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से जो कावेरी प्रोग्राम है वो सक्सेस नहीं बन पाया। तो इसलिए अगर हम फ्यूचर इंजन में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो ये हमें इंश्योर करना ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पर ना पड़े, जिसके लिए हमें पार्टनर चाहिए। और UK को ये ज़रूरी है कि उन्हें पैसे की कमी ना पड़े, इसलिए उन्हें पार्टनर चाहिए। तो इस जैसी विन विन सिचुएशन की वजह से कोलैबोरेशन होते हैं, और इसलिए सैफ्रन और रोल्स रॉयस जो हैं वो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो उनका केस कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आता है, ऐसा लगता है वो कॉम्पिटिशन की वजह से यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि वो जो इंजन ऑफर कर रहे हैं उसको वो ऑलरेडी बना चुके हैं थ्योरेटिकली। तो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 110 किलोन्यूटन क्लास इंजन की है, जिसमें जो इंजन का क्लास है वो बिलोंग करेगा जनरल इलेक्ट्रिक के F404 F414 इंजन को।
यानी कि जो डायमेंशंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो इसके अंतर्गत जहां तक चांसेस लगते हैं, ऐसा लगता है कि फ्रेंच कंपनी साफ्रान द्वारा उनके M88 इंजन पर ही बेस्ड एक इंजन का प्रपोजल दिया जाएगा और रोल्स रॉयस द्वारा उनके EF200 इंजन पर बेस्ड होकर जो प्रपोजल है वो दिया जा सकता है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी के थ्रू इन इंजन को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है और ज़्यादा पावर निकाली जा सकती है, साथ ही साथ ज़्यादा एफिशिएंसी निकाली जा सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जिस हिसाब से समय हमारे पास कम है, ऐसा लगता है कि यही होने वाला है, क्योंकि जीरो से इंजन बनाना, R&D से शुरुआत करना एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो अगर हमें रोल्स रॉयस के इंजन को रेट करना हो तो ये जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की परफॉर्मेंस के बराबर ही आते हैं, कई मामलों में थोड़े अच्छे हैं और डेफिनेटली फ्रेंच कंपनी साफ्रान से इनको थोड़ा ऊपर रखा जाएगा। बाकी मामला जो है वो डिपेंड करेगा कि ये IP राइट्स देने को तैयार हैं या कितने विलिंग हैं टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए और किस हद तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का कोलैबोरेशन का मतलब यही है कि हमें चीज़ें सीखनी है फ्यूचर के लिए। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की विजिट होने वाली है UK की और जेट इंजन के साथ साथ और टेक्नोलॉजीज को लेकर भी बात चल सकती है, जिसमें जो मुख्य टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिक प्रपल्शन की है, जिसमें रॉयल नेवी और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो हैं वो फ्यूचर देख रही हैं इलेक्ट्रिक प्रपल्शन को, और इसमें इंडियन नेवी जो है कोलैबोरेट कर सकती है और को डेवलप किए जा सकते हैं ये सिस्टम्स। तो ये एक्चुअली फ्यूचर है। और चाइना के जो एडवांस वॉरशिप्स हैं जिसमें उनका Type 003 कैरियर है वो भी इलेक्ट्रिक प्रपल्शन को ही यूज करता है, जो कि उनके ई मास को भी पावर करेगा। बाकी कहा यह भी जा रहा है कि टेम्पेस्ट को लेकर भी कोलैबोरेशन के लिए बात हो सकती है। तो ये विजिट जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, उस पर काफ़ी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से कई चीज़ जो है वो निकल कर सामने आ सकती हैं। और पिछले कुछ समय से जिस तरह के कोलैबोरेशन दिख रहे हैं ये एक्चुअली एक पॉजिटिव साइन की तरफ इशारा करते हैं। और काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर कोलैबोरेशन यहाँ पर हमने देखे हैं, जैसे कि ब्रिटिश SRAM मिसाइल के इंडिया प्रोडक्शन की बात कर लें, साथ ही साथ इनकी मैन पोर्टेबल स्टारशेक मिसाइल की बात कर लें जो कि लेजर बीम राइडिंग को यूज करती है। इवन रोल्स रॉयस ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है HAL के साथ, जिसके अंतर्गत रोल्स रॉयस के MT-30 मरीन इंजन को लेकर HAL जो है वो सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन और पैकेजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये भी एक काफी मुख्य कोलैबोरेशन है जिसको हमें दिमाग में रखना है। तो UK की विलिंगनेस यहाँ पर दिखती है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन को काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं। ये जियोपॉलिटिकली भी उनके लिए बेनिफिशियल है और फाइनेंशियली भी उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद से UK की जो इकोनॉमी है वो अभी स्टेबल नहीं है और उनके द्वारा इन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा फंडिंग करना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है करंट सिचुएशन में। तो उनकी रिक्वायरमेंट है एक ऐसा पार्टनर जिसकी रिक्वायरमेंट बड़ी हो, साथ ही साथ वो फंड करने को भी तैयार हो इन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में। तो इंडिया उनको वहाँ पर एक आइडियल ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसका बेनिफिट जो है वो इंडिया को भी मिल रहा है, जैसा कि हमने पास्ट कुछ कोलैबोरेशन में देखा। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की ये जो विजिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ पर हमें नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।